पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत मां के वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए असंख्य युवाओं, युवतियों और महिलाओं ने फूलों की दुकान पर जाकर बड़ी संख्या में लाल गुलाबों की खरीदारी की और कहा कि हमारे वीर जवानों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो बलिदान दिया है, मातृभूमि की सेवा के लिए किए गए इस बलिदान को भावी पीढ़ी निरंतर याद रखकर स्वयं को भारत माँ की सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा लेते रहेंगे। जबकि कुछ लोगों ने आज वैलेंटाइन डे पर अपने प्रियजनों को गुलाब का फूल देने के लिए इनकी खरीदारी की। फूलों की दुकानों पर आज ग्राहकों का तांता लगा रहा। अम्बाला छावनी से हमारी संवाददाता आंचल गौड़ और कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको दिखाएंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है और उसी के साथ पुलवामा में भी शहीद हुए हमारे कुछ वो थे शहीद, आज जो आज के दिन शहीद हुए थे। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ अपने चैनल की ओर से, और साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे कि वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में आज जैसा कि 14 फरवरी है, एक रिश्ता जिसको हम कहते हैं आज प्यार भरा रिश्ता, तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर किस तरीके से यहाँ फूल यहाँ पर लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर जो है बुके यहाँ पर बनाया हुआ है बहुत सुंदर यहाँ पर। और यहाँ पर खरीदारी के लिए जो है यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए, जो यहाँ पर आए हुए महिला हैं हम उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैडम। मैम, आज जो ये 14 फरवरी है, आप इसको लेके यहाँ पे आप क्या लेने के लिए आए हैं? एक्चुअली मैं ये रेड रोज अपनी भाभी के लिए लेकर आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये रेड रोज जो है एक प्यार की निशान जैसे एक लड़के लड़की के लिए ही है, ये एक जैसे आपकी फैमिली में आपके मदर्स हैं, फादर हैं, उनके रिश्ते को भी दर्शाता है ये चीज़ जो है। और मेन जो है ये जो पुलवामा जो आज उनकी जयंती है, जैसे आतंकवादी हमला हुआ था पुलवामा में, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी आप मतलब कि यूज़ करते हैं, लोग लेते हैं इन्हें। मतलब आज आप श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ में अपनी भाभी को जो है वैलेंटाइन डे पे आज उनके साथ प्यार भरा जो है वैलेंटाइन डे मनाएंगे। आपका नाम मैडम? हाँ, सोनम। सोनम जी, मैडम कहाँ से हो आप? मैं अम्बाला कैंट से लोकल। अम्बाला कैंट से ही लोकल है? थैंक यू मैडम। तो हमारे साथ यहाँ पर अम्बाला कैंट से जो थे सोनम जी यहाँ पर थे, जिसमें उनका कहना है कि वो यहाँ पर आज जो है फूल लेने के लिए यहाँ पर आई हैं, फूल से जो वो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा एक अटैक हुआ था, और उसी के साथ आज वो अपनी भाभी को एक बहुत खूबसूरत इस टाइप का यहाँ पर बुके हैं यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत है उसको देकर वो कह रही हैं कि मैं उनको आज वैलेंटाइन डे एक प्यार भरा जो है आप उनको के साथ मनाऊंगी। और साथ में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कितनी खूबसूरत यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर कहीं तो जो एक वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ये माँ बाप के साथ भी आप बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पर जो है ये मनाया जाता है, साथ में एक भाई बहन के प्रतीक को भी ये अपनाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी फ्रेंड को एक लड़की, जैसा कि मैडम ने बताया कि लड़के को ही दिया जाए, ये वैलेंटाइन डे है ये का संदेश होता है कि सभी में प्यार की भावना, कि हम सब एक, इसमें चाहे कोई जानवर है या कोई पक्षी है, हमें सभी के साथ साथ प्यार से रहना चाहिए। और मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी क्या, जैसे कि वैलेंटाइन डे, आप सभी आपके आसपास जो भी पक्षी हैं उन पक्षियों के लिए किसी आप बर्तन में किसी में पानी रखें जिससे कि पक्षी लोग पानी पिए और उनकी जो प्यास बुझ सके। धन्यवाद अम्बाला छावनी से।